Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बाकी जितने भी कार्मिक आशा है एडम है वो भी रहेंगे, आदेश मैंने जारी कर दिया है। साथ ही साथ हमने जिला स्तरीय अधिकारियों को, विकास खंड स्तरीय अधिकारियों को भी बोला है कि वो भी जाके भ्रमण करें, देखें कि बूथ बंद तो नहीं है कहीं पे, सब जगह खुले हुए हों। और 10 से 4 समय उसका है जिसमें ये कार्रवाई होनी है। मैं मीडिया ग्रुप में डाल दूंगा वो आदेश, अभी मैंने किया था। दो मेन फोकस होंगे हमारे, तो युवा वोटर 18-19 वाले जो 1 जनवरी 2020 को 18 साल पूरे कर रहे हैं, युवा वोटर, और दूसरा होगा महिला वोटर। महिला वोटर जो रेशियो है हमारा वो कम है, जो मतलब जनसंख्या में जो रेशियो है जनगणना में वो लगभग 880 के आसपास है, जबकि वैल्यू के सापेक्ष लोग बहुत सारी चीज़ें अंदर भी करते हैं। खासकर ये वो लोग होते हैं जो मिसयूज करते हैं इसका। नॉर्मली दो जगह वोटर वही रखता है जिसको मिसयूज कर, राशन है, बाकी व्यवस्थाएं हैं, पेंशन है, जो भी सुविधाएं हैं वो किसी भी जगह आप वोटर कार्ड बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। दो जगह केवल जो चुनाव होते हैं उसमें उसका लाभ प्राप्त करने के लिए लोग समानता रखते हैं। उद्देश्य ये है कि कल के बारे में लोग जाने, मीडिया के बंधुओं का सकारात्मक सहयोग मिले हमें इसमें, यही इच्छा है। बाकी इसके अलावा कुछ प्रश्न होंगे आपके तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा अलग से। हमने ये पैम्पलेट भी छपवाए हैं, बंटवा रहे हैं, ये लगभग हम लोगों ने 50,000 ले गए हैं। उनका वोटर कार्ड जो नाम है वो कटने की कार्रवाई 21A नोटिस के माध्यम से की जाएगी, ये भी हमने बोल दिया है। 9, 10, 11, 11A और 9A इनके ये भी चस्पा किए जाएंगे, कहाँ कहाँ कब कब सुनवाई की नियत है। बाकी कॉल सेंटर शुल्क रहित निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 है ही है, और इसके अलावा जो डुप्लीकेट लिस्ट हमें सॉफ्टवेयर से मिलती है वो भी हमारे पास है, वो भी हम देंगे। तो चिन्हित करेंगे कि ये जो रेशियो है वो ठीक रहे। और मेरा फिर मानना है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, तो 21 साल से बड़ा अधिक का वोटर कोई नया बनने आए तो उसको हम लोग विशेष नजर से देखेंगे। अगर वो राइट होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज उसको नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हमने जो पहले अच्छा काम किया डुप्लीकेट हटाए थे वो दोबारा डुप्लीकेट बन जाए, इस पर विशेष नजर रहेगी हमारी। मैं भी जब गांव जाऊंगा, एडीएम साहब भी जाएंगे, तो हम लोग ध्यान देंगे, और जो भी बदमाशी करेगा फिर कार्रवाई भी करेगा। सभी पार्टियों से हमने कह दिया है कि आप अपना BLA अपॉइंट कर दें, बट अभी तक किसी ने सूचना दी नहीं है। दो बार कह चुके हैं पार्टीज को मीटिंग करके, बट अभी तक उन्होंने दिया नहीं इसको। मोटा मोटा ये जो स्वीप अभियान है इसमें मैनपुरी में सफल हो अच्छा रहे, कोई मतदाता छूटे नहीं, लोगों को जानकारी हो, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। नाम संशोधन है, फोटो वगैरह में कुछ दिक्कत है वो भी ठीक होगा। हमने ये भी बोला है कि कृपया वोटर लिस्ट देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि फोटो किसी और लगी हो, नाम किसी और को। ये चीज़ें मुख्य मुख्य निर्वाचन की रहेंगी इसमें, जो स्पेशल समरी रिविजन चल रहा है, और जो इसमें ERO अच्छा करेंगे, ERO AERO यानी SDM साहबान, BDO साहबान और तहसीलदार साहबान, उनको हम सम्मानित भी करेंगे पृथक से। और जो हमारे कॉलेजेस इसमें अच्छा करेंगे उनके लिए भी सम्मान का इसमें ADM साहब रखेंगे हम लोग विशेष कार्यक्रम 26 जनवरी को, सम्मानित भी करेंगे। 26 जनवरी कार्यक्रम होगा, सम्मानित भी करेंगे, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे कॉलेजेस के लोग हों, चाहे हमारे सोशल वर्कर्स हों, चाहे हमारे मीडिया के बंधु हों, जो जितना अच्छा हमें सहयोग मिलेगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे। ये हम करेंगे 26 जनवरी को, तो किया जाएगा 25 जनवरी को। आप सभी से सकारात्मक सहयोग का आग्रह है हमारा। इसके अलावा जो प्रश्न होंगे वो पूछ लीजिएगा, कोई और विषय पूछना चाहे वो पूछ लीजिएगा। कुछ जगह इश्यूज आ रहे हैं, लैंड के इश्यूज, प्रमाण पत्र में थोड़ा दिक्कत हो रही है आमजन को, तो आमजन को समस्या होगी तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उस चीज को, देखते हैं शाम तक। और बताए हाँ, लगता है नहीं, इस पे तो मुझे प्रथम दृष्टया लगता है कि